हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि और हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है वह है नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। हमारे इस चैप्टर के आज का टॉपिक है द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। हमने अपनी पिछले क्लास में पढ़ा था पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में, यानी हमने देखा था कि राजनीतिक तौर पर जर्मनी में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, साथ ही साथ जर्मनी की इकोनॉमी कैसी है। हमने देखा था स्पार्टसिस्ट लीग का फॉर्मेशन होता है, स्पार्टसिस्ट लीग और वियमार रिपब्लिक का तालमेल अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण उन दोनों के बीच आपसी दुश्मनी हो जाती है। 1923 में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है जर्मनी में, हाइपर इन्फ्लेशन वाला सिचुएशन आ जाता है और लास्टली अमेरिका जो है वह जर्मनी की मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए आगे बढ़ती है। तो चलिए हम अपने आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि अमेरिका जो है वह सामने आती है, जर्मनी की सहायता करती है। अब अमेरिका की हेल्प से 1924 से लेकर 1928 के बीच जर्मनी की इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आ जाती है, स्थिरता देखने को मिलती है। बट यह जो स्टेबिलिटी रहती है ना, वह ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहती है। अब क्यों नहीं रहती है? क्यों? क्योंकि अमेरिका ने जर्मनी की हेल्प की थी। अमेरिका ने जर्मनी को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किया था। अब इस लोन को जर्मनी ने जगह जगह इन्वेस्ट किया, जिसके कारण क्या होता है कि थोड़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है जर्मनी में, साथ ही साथ इकोनॉमी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आता है। अब क्या होगा जब खुद अमेरिका के पास पैसे नहीं रहेंगे, तो क्या वह जर्मनी की सहायता कर पाएगी? नहीं, नहीं कर पाएगी। तो ऐसा ही कुछ यूएसए में होता है 1929 में। तो चलिए देखते हैं कि 1929 में अमेरिका में क्या हुआ था। 1929 में अमेरिका का जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है वह क्रैश कर जाता है। अब ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? तो वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है जो यूएसए में स्थित है। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है जो यूएसए में स्थित है और वह 1929 में क्रैश कर जाता है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह होती है जहां शेयर मतलब कि सिक्योरिटीज की खरीद बिक्री की जाती है। सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, बॉन्ड्स और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। अब जैसा ही वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश करता है, तो इसके साथ ही साथ क्या होती है कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वह गिरने लगती है, वह गिर जाती है। अब देखिए वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या हुआ कि क्रैश कर गया, तो लोगों के बीच में अब यह डर हो जाता है ना कि कहीं उनके शेयर का जो है प्राइस कम ना हो जाए। तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया, जल्द से जल्द अपना शेयर मार्केट में बेचना स्टार्ट कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर 24 अक्टूबर को क्या होता है, तो 24 अक्टूबर को 13 मिलियन शेयर्स जो है वह बेचे जाते हैं। अब यहीं से क्या हुआ ना कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। यहीं से इकोनॉमी में डाउनफॉल देखने को मिलती है। अब 1929 से लेकर 1932 के बीच क्या होता है कि जो अमेरिका का नेशनल इनकम था वह 50% से कम हो जाता है, फेल बाय हाफ, यानी 50% से कम हो जाता है। साथ ही साथ फैक्ट्रीज बंद हो जाते हैं, अमेरिका के एक्सपोर्ट्स में कमी देखने को मिलती है, वहाँ के फार्मर्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। और साथ ही साथ उन लोगों ने जिन्होंने मार्केट में अपना पैसा लगाया था, उन्होंने अब मार्केट से अपना पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया, यानी मार्केट से पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण क्या होती है कि अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो गिर जाती है, डाउनफॉल हो जाता है अमेरिका की इकोनॉमी में। अब ये जो अमेरिका की इकोनॉमी में डाउनफॉल देखने को मिला, इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड पर पड़ता है, पूरे वर्ल्ड वाइड होता है इसका प्रभाव। अब वर्ल्ड वाइड कैसे होता है, तो देखिए उस समय अमेरिका जो थी वेल रिच कंट्री थी, समृद्ध देश था, वो एक्सपोर्ट किया करते थे, वह बहुत से गुड्स को एक्सपोर्ट किया करती थी, साथ ही साथ अदर कंट्रीज को फाइनेंशियली हेल्प भी किया करती थी। अब खुद जब अमेरिका की इकोनॉमी गिर रही है, अमेरिका की इकोनॉमी का खस्ता हालत है, तो उससे जुड़े जितने भी अदर कंट्रीज थे उसके भी इकोनॉमी में कुछ कुछ बदलाव आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं। देखिए हमने देखा था कि अमेरिका ने जर्मनी को हेल्प किया था, लोन प्रोवाइड किया था। अब जब खुद अमेरिका की इकोनॉमी हालत अच्छी नहीं है, तो इससे जुड़ा जो जर्मनी है तो उसके इकोनॉमी पर भी कुछ असर पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि जर्मनी की इकोनॉमी का कैसा कंडीशन है।
जैसा कि अमेरिका की इकोनॉमी में डाउनफॉल देखने को मिला, तो अब क्या होता है कि अब अमेरिका जो है वह जर्मनी को हेल्प नहीं कर पाता है, अब उसे लोन नहीं देता है, जिसके कारण क्या होता है कि जर्मनी की इकोनॉमी का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। बहुत ही वर्स्ट इम्पैक्ट पड़ा था इसका जर्मन इकोनॉमी पर। 1932 में क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी जर्मनी की, वह 40% से कम हो जाती है। साथ ही साथ वर्कर्स जो है वे जॉबलेस हो जाते हैं, और वैसे वर्कर्स जो काम किया करते थे उन्हें कम वेजेस दिया जाता था। अब देखिए, प्रोडक्शन उतना नहीं है, यानी प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा, यानी काम ज्यादा नहीं है। तो अब काम अधिक नहीं है तो अधिक लोगों को रखने से क्या फायदा। तो इंडस्ट्रीज ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, कुछ 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 वर्कर्स को बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया। कुछ को रखते थे, कुछ को निकाल देते थे। तो जो वर्कर्स निकाले गए उनके पास अब कोई दूसरा काम नहीं है करने को, जिसके कारण वे जॉबलेस हो जाते हैं। और वैसे वर्कर्स जो काम किया करते थे तो उन्हें वेजेस जो है पहले के अकॉर्डिंग कम दिया जाता था। अब देखिए, वर्कर्स का क्या हुआ कि जॉबलेस हो गए, उनके पास कोई काम नहीं है करने को, जिसके कारण क्या होती है, जर्मनी में अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, बेरोजगारी आ जाती है। और लगभग 6 मिलियन लोग जो थे वह जर्मनी में बेरोजगार थे। अब लोग बेरोजगार हैं, जिसके कारण क्या होती है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है वह जर्मनी में बढ़ जाती है। अब क्रिमिनल एक्टिविटीज क्यों बढ़ जाती है, देखिए, लोगों के पास कोई काम नहीं है करने को, उनके पास कोई सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है। बट उन्हें क्या है, हमें जीना है, हमें हमारा लाइफ जीना है। ये भूख जो है हमारी, वो भूख तो शांत नहीं होती, अब इसे शांत करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तब लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने चोरी डकैती ये सब करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण क्या होता है, जर्मनी में क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ जाती है। चोरी डकैती जो है वो हर जगह देखने को मिलती है जर्मनी में। अब मिडिल क्लास लोगों के साथ क्या था ना कि उनका जो सेविंग था वह दिन प्रतिदिन घटते जा रहा था, दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा था। ऑफ कोर्स सेविंग है, अब कोई कुबेर का खजाना तो नहीं कि वो हमेशा तक रहेगा। तो लोगों ने जो भी सेविंग किया था, अब उनके पास इतने दिनों तक काम नहीं था, तो उन लोगों ने अपने सेविंग से ही अपना लाइफ इतने दिनों तक चलाया। अब ऐसा स्थिति आ गया है कि अब लोगों का जो सेविंग है वो भी कम होते जा रहा है, वो भी घटते जा रहा है। इसका इम्पैक्ट बिजनेस पर भी बहुत बुरा पड़ता है। बहुत से बिजनेस बंद हो जाते हैं, बहुत से बिजनेस रून हो जाते हैं, यानी बिजनेस पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अब एक प्रोलिटराइजेशन का सिचुएशन हो जाता है जर्मनी में। अब यह प्रोलिटराइजेशन क्या है, मतलब देखिए, होता क्या है कि लोग गरीब से अमीर बनते हैं, पर जर्मनी में उल्टा हो रहा था। लोग अमीर से गरीब हो रहे थे। क्या होता है कि आपके लाइफ में प्रमोशन आते हैं, मगर वहाँ प्रमोशन नहीं, डिमोशन हो रहा था। समझ लीजिए, वे लोग किसी दूसरे लोगों को अपने यहाँ काम प्रोवाइड किया करते थे, अब उनकी हालत ऐसी हो, उनकी हालत वर्कर्स की जैसी हो गई कि अब वे खुद मजदूर बन गए हैं। ऐसा सिचुएशन हो गया था जर्मनी में, जिसे प्रोलिटराइजेशन कहते हैं। साथ ही साथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो थे, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे, उसके दाम बहुत कम हो जाते हैं, उनके प्राइजेस में फॉल, मतलब जो दाम है वह घटने लगते हैं। अब वहाँ की लेडीज के पास, वहाँ की महिलाओं के पास इतना भी नहीं था कि वे अपने बच्चे को फीड कर सके, अपने बच्चे को खाना खिला सके। यह तो था कि इकोनॉमी पर कैसा प्रभाव पड़ा। इसका जो है ना, इकोनॉमी पर तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, साथ ही साथ जर्मनी के पॉलिटिकल कंडीशन पर, यानी राजनीतिक पर भी प्रभाव पड़ता है। अब कैसे, देखिए, जो वियमार हमने देखा था, जो वियमार रिपब्लिक है, उससे जर्मनी के लोग पहले ही सपोर्ट नहीं करते थे। दूसरा, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, जिसके कारण क्या होता है कि जर्मनी में अनस्टेबिलिटी आ जाती है जर्मनी में। अब देखते हैं कि डिफेक्ट्स क्या था वियमार रिपब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला था कोलिएशन रूल, मतलब कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो कंट्री को चला रही है वह मिली जुली सरकार थी, मतलब कोई एक सिंगल पार्टी कंट्री को नहीं चला रही थी, उस जो सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी, वो उस गवर्नमेंट में अलग अलग पार्टीज के, यानी जितने भी पार्टीज थे उसके मेंबर्स रहते हैं, और वे सब मिलकर
कंट्री को चला रहे थे। अब सिंगल पार्टी का जो रहता है वो गवर्नमेंट क्यों नहीं बन पाती है, क्यों? क्योंकि जर्मनी में उस टाइम कोई भी एक ऐसी सिंगल पार्टी नहीं थी जिसे मेजोरिटी वोट मिल सके इलेक्शन में। इसे ऐसे समझ लीजिए, ए बी और सी जो है वो तीन पार्टीज हैं। ए को 10% वोट मिली, बी को 15% मिली और सी को 20% मिली। तो क्या होता है ना कि तीनों पार्टीज को कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है जिसे मेजोरिटी वोट मिला हो, तो जिसके कारण क्या हुआ, जो गवर्नमेंट बनी उसमें ए का भी मेंबर है, बी का भी मेंबर है और सी का भी मेंबर है। मान लीजिए जो एजुकेशन मिनिस्टर ए के हैं, बी के स्पोर्ट मिनिस्टर है, सी के फाइनेंस मिनिस्टर है, तो जिसके कारण क्या होता है ना कि अनस्टेबिलिटी आ जाती है। अब अलग अलग पार्टी के लोग, उनकी सोच अलग है, वे अलग सोचते हैं, तो एक वो कंट्री को ठीक ढंग से नहीं चला पा रहे थे, जिसके कारण क्या होती है कि जर्मनी में अनस्टेबिलिटी आ जाती है। दूसरा क्या है, दूसरा आर्टिकल 48 है। अब इस आर्टिकल 48 में क्या था, इस आर्टिकल 48 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को यह अधिकार दिया गया था कि वह इमरजेंसी का सिचुएशन लागू कर सकता है देश में, साथ ही साथ सिविल राइट्स जो है लोगों के उसे सस्पेंड कर सकता है। कब तक के लिए, जब तक यह इमरजेंसी सिचुएशन लागू रहेगा देश में। एंड रूल बाय डिक्री, रूल बाय डिक्री मतलब जब तक यह इमरजेंसी लागू रहेगी कंट्री में, उस टाइम कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा, उस टाइम जो गवर्नमेंट बोलेगी, जो प्रेसिडेंट बोलेगा, वही मानना होगा सारे लोगों को। जिसके कारण क्या होता है ना कि अब लोगों का जो डेमोक्रेसी से है वो विश्वास उठ जाता है। लोगों को अब कहते हैं यार ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमें नहीं चाहिए, इससे कुछ नहीं हो रहा है, ये हम मतलब हमारे प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। तो इससे के कारण क्या हुआ कि डेमोक्रेसी में लोगों का विश्वास उठ गया, डेमोक्रेसी से लोगों का विश्वास उठ गया। अब देखिए, हमने देखा कि वीमार रिपब्लिक को सपोर्ट नहीं मिला, डेमोक्रेसी से लोगों का विश्वास उठ गया, तो इसके कारण क्या होता है ना, इसके कारण एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है डिक्टेटरशिप को। अब ये कैसे मिलती है, ये जब हम राइज ऑफ हिटलर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि कैसे क्या क्या चेंजेस क्या क्या हुआ उस टाइम। देखिए, हमने अभी तक पूरा एक बैकग्राउंड पढ़ लिया है कि जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, पीस ट्रीटी के बाद जो पीस ट्रीटी थी वर्सेलिस की, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है जर्मनी पर, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है। हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वो हमारा टॉपिक होगा हिटलर के बारे में। हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वह हिटलर के बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। हमारे इस चैप्टर के नोट्स का पीडीएफ आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।